अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग मैगी नूडल्स बनाएंगे। उसके लिए हमने सबसे पहले ऑलिव ऑयल ले लेना है 2 टेबलस्पून। उसके बाद हम लोगों ने इसमें ऑनियन चॉप करके डाल देना है, एक स्मॉल ऑनियन ले लेना है आपने। हम लोगों ने लाइट गोल्डन कर लेना है। हमारा जो ऑनियन है वो लाइट गोल्डन हो गया है। अब हम लोग उसके बाद एक स्मॉल टमाटर जो है वो चॉप करके डाल देंगे। अभी हमने इसमें 1/2 ग्लास पानी का ऐड कर देना है। और इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। अब हमने कवर हटा के एक दफा चम्मच मारना है। अब हमने इसमें 1 टीस्पून नमक का ऐड करना है, चिली पाउडर थोड़ा सा 1/2 टीस्पून। अब हमने इसमें लेमन ऐड करना है 1-2 ड्रॉप्स। मैगी स्पाइसी पाउडर ऐड कर देंगे हम। 2 पैकेट बनाए तो 2 ऐड करेंगे। अब हमने इसमें बोनलेस चिकन है कोई 100 ग्राम वो ऐड कर देंगे। और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हमने चिकन को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। अब हम लोग इसके अंदर नूडल्स डालेंगे और साथ ही 1 ग्लास पानी का ऐड कर देंगे। अब इसको कवर करके 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे हम लोग। अब 2 मिनट हो गए। अब हम इसमें चम्मच मारेंगे। ये देखिए हमारी नूडल्स जो है वो नरम हो गई हैं। अब हमने इनको फिर से 2 मिनट के लिए कवर कर देना है। आप चाहें तो इसको फुल ड्राई भी कर सकते हैं और अगर सूप रखना चाहें तो सूप भी रख सकते हैं। हम लोग थोड़ी सी इसको ड्राई करेंगे इसके बाद कवर हटा के। देखिए अब ड्राई हो गई हमारी नूडल्स ऑलमोस्ट। अब हम लोग इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। अब हम लोग इसको डिश आउट कर देते हैं। अब हमने इसमें जो है धनिया कोरिएंडर स्प्रिंकल करेंगे। हमारे नूडल्स तैयार हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।